लेकिन ये सबसे पहले समझा दें कि पीएम मोदी कल केदारनाथ जाएंगे, लेकिन जी हिंदुस्तान की टीम पहले ही केदारनाथ पहुंच चुकी है और पीएम के आने की तैयारियों का जायजा लिया है। वहां पर आप ये देखिए रिपोर्ट। दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचने हैं। जब पीएम मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे होंगे उस वक्त यहाँ पर क्या माहौल होगा, ये जी हिंदुस्तान आपको सीधे लाइव तो दिखाएगा, लेकिन क्या खास तैयारियां है और कौन कौन से मंत्रोच्चार किए जाएंगे जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। कहते हैं कि पंडित जी सबकी मनोकामना नंदी जी पूरी करते हैं बाबा के थ्रू। जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो किस तरीके का माहौल होगा, क्या क्या पूजा पाठ होगी? जब जब भी यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आते हैं तो बहुत यहाँ पे उत्साह का माहौल रहता है। सभी लोग जो है उनका बहुत जोरदार ढंग से स्वागत करते हैं और वो जब भी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे पूरा समय लेके आते हैं और अंदर में जब भी उनका पूजा होता है तो उनका रुद्राभिषेक का पूजा यहाँ पे किया जाता है और हमारे द्वारा उनका यहाँ पे पूजा अभिषेक रुद्राभिषेक किया जाता है। और वो जब भी आते हैं तो टाइम लेके आते हैं, बिल्कुल अच्छे ढंग से पहले भगवान का पूजा करते हैं, भगवान का अंदर का पूजा करके बाहर एक पूरा परिक्रमा प्रदक्षिण करके। इनको हमने देखा है कि पहले भी जब केदारनाथ पहुंचते थे तो वो एक भक्त की तरह आते थे, ना कि प्रधानमंत्री या राजनेता की तरह। आपने बिल्कुल सही कहा, वो जब भी यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल एक आम भक्त जैसा, हर कोई भक्त यहाँ पे आता है बिल्कुल ऐसे ही वो आते हैं यहाँ पे और बिल्कुल एकदम अच्छे ढंग से बिल्कुल यहाँ पे पूजा वगैरह करके सब जितने भी यात्री लोग हैं या हम तीर्थ पुरोहित लोग हैं हम सभी से जो है मिलते हैं, एकदम नजदीक से मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, सबको जो है मतलब एकदम एक आम आदमी की तरह मिलते हैं। और यहाँ पे जो आके जब वो नंदी जी के पास पहुंचेंगे अपनी मनोकामना लेकर, तब कौन कौन से मंत्रोच्चार किए जाएंगे? खास करके नंदी जी पे तो नंदी जी पे जो मनोकामना का ही मंत्र खास करके बोला जाता है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ऐसे और भी कुछ मंत्र हैं उनसे जो है यहाँ पे मनोकामना नंदी जी पे बोली जाती है। और वो भी जब भी आते हैं तो अंदर की पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे नंदी जी पे आते हैं, नंदी जी पे पूजा करके फिर बाद में प्रदक्षिणा पूरी करते हैं। ये हमारा यही प्रयास होगा कि पल पल की सारी खबरें और पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाएं। केदारनाथ से कैमरा पर्सन मोहित के साथ हितेन इकलानी, जी मीडिया। हितेन हमारे साथ सीधा केदारनाथ से भी जुड़े हुए हैं, रुख सीधा हितेन का कर रहे हैं। हितेन, बात अधूरी रह गई थी, तैयारियों के बारे में बता रहे थे। बिल्कुल, देखिए मंच सज चुका है, वहां से देश को संबोधित करेंगे। उस वक्त मैंने आपको बताया कि करीब 90 जितने सन्यासी साधु और शंकराचार्य यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ की अगर तैयारियों की अगर हम बात करें तो देखिए आप सजावट देख ही रहे, अब मंदिर के कपाट फिर एक बार जो है वो खुल चुके हैं, थोड़ी देर में दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। और लेकिन यहाँ जो दूर दराज से लोग पहुंच रहे वो आज दीपावली के अवसर पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे, लेकिन जैसे उन्हें पता चल रहा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुबह आ रहे तो वो रुक रहे, वो बोल रहे कि नहीं हम भी पीएम को मिलने के बाद ही जाएंगे, हो सकता है कि कल मुलाकात छोटी सी हो जाए। तो कहीं ना कहीं एक लौते ऐसे प्रधानमंत्री है मोदी जो अपने 7 साल के अब तक के कार्यकाल में वो 5वीं बार केदारनाथ पहुंच रहे, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी इस तरह लोगों में भी उसकी उत्सुकता जरूर है। देखिए आज दिवाली का त्यौहार है, कल हमने यहाँ शाम को फटाके जलते हुए देखा था, आज दिवाली है असली दिवाली। आज क्या आप लोगों ने खास तैयारियां की है? आज भी वही होगा जो कल हुआ, कल हमने ट्रेलर किया था, आज पूरा पिक्चर रिलीज करेंगे। आज पूरी अच्छे ढंग से दिवाली मनाओगे आप लोग और कल मोदी जी को मिलके? बिल्कुल जी, मोदी जी से भी मिलेंगे और दिवाली भी मनाएंगे, भोले बाबा के साथ डोली के साथ नीचे भी जाएंगे जी। तो ये आप कहाँ से आए? ठीक है, हितेन आते हैं और लग रहा है बाबा केदारनाथ के दर्शन भी कर रहे हैं। तो ये भी देख लीजिए कि तमाम तस्वीरों के साथ आपको जोड़ेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से, जहां पर वनटांगिया गांव में योगी ने मनाई है दिवाली। बड़ी खबर इस वक्त हिंदुस्तान पर, वनटांगिया समुदाय के साथ सीएम योगी की दीपावली, गरीब बच्चों को गोद में उठाकर खाना भी खिलाया मुख्यमंत्री ने, 8 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। 2010 से ही हर साल इसी गांव में दिवाली मनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आज भी वनटांगिया गांव में गए, बच्चों को मिठाइयां खिलाई, उन्हें तोहफे भी दिए और उनके बीच में रहकर दिवाली मनाई। बहुत ही पिछड़ा इलाका रहा है ये सालों तक, मूलभूत सुविधाओं से दूर रहा, लेकिन सांसद बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां विकास कार्यों की सुध ली और उसके बाद अब इसके हालात भी बदल रहे हैं इस इलाके के। और ये तस्वीर आज दीपावली के मौके पर एक बार फिर से वनटांगिया पहुंचे मुख्यमंत्री,
जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उन्हें तोहफे दिए, बच्चों को अपने हाथ से ही खाना खिलाया और साथ ही 8 विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी है।